आदाब, मैं सबनाज और मेरे साथ खबर आसनसोल देख रहे हैं आप। स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन और डेंटल केयर। आसनसोल में खुले इस नए नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज, अपना फैशन के बेस्ट क्वालिटी कपड़ों के संग। आइए सीधे रुख करते हैं खबरों की तरफ। हल्का उर्दू अदब की जानिब से कल शाम रेल पार में तकरीब इस्तकबालिया व मुशायरा का इनेकाद किया गया, जहां डिप्टी मेयर वसीम उल हक को इस्तकबालिया दिया गया, जबकि तकरीब के दूसरे दौर में अजीमुशान मुशायरे का अहतमाम किया गया। तकरीब इस्तकबालिया की सदारत नज़ीर अहमद यूसुफी ने की, तो वहीं मुशायरे की सदारत वकी मंजर ने की, जबकि यासीन साकिब ने दोनों दौर की नकाबत की। वहीं आसिफा खातून ने खालिक अदीब की लिखी हुई एक गीत को डिप्टी मेयर वसीम उल हक की शान में बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पढ़ा। इस मौके पर डॉक्टर मशकूर मोइनी, इजहार कमर, डॉक्टर साबरा हिना, मिराज अहमद मिराज खास तौर से मौजूद थे। वहीं खुर्शीद अदीब और डॉक्टर नसीम ने तशरीफ लाए तमाम मेहमानान का शुक्रिया अदा किया। मिराज अहमद मिराज साहब, फूलों का हार पेश करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद नसीम अंसारी साहब को मैं आवाज दे रहा हूँ क्या मैं, और डिप्टी मेयर वसीम उल हक साहब को फूलों का हार पे है। मोहम्मद जावेद इकबाल और कुकिया आप ही आ गए, और डिप्टी मेयर इज्जत मान के बाद हमारे एक और डिप्टी मेयर इज्जत मान अभिजीत गढ़क साहब भी यहाँ पर दर्शन कर रहे होंगे। मैं इज्जत के साथ जनाब मोहम्मद वसीम उल हक साहब की इज्जत माई करता हूँ। कितना ज्यादा आपके बच्चों को स्कूल का यूनिफॉर्म, आपके बच्चों को मिड डे मील, आपके बच्चे को स्कूल बैग, आपकी बच्चियों की शादी के लिए रूपाश्री, आपके बच्चियों को कन्याश्री, ये तमाम स्कीम मिल रही है। और आज से कुछ दिन पहले के सामने फरियाद करता है, माँ कुछ पैसे दो, मैं किताब खरीदूंगा, मैं कॉपी खरीदूंगा, मैं पेंसिल खरीदूंगा या बिस्किट चॉकलेट लूंगा। यकीन जानिए जब वो मर्दे मुजाहिद मर्दे हक वसीमुल हक वसीमुल हक खुशबू
मर्दे हक वसीमुल हक वसीमुल हक न जज्बा न कोशिश सफर की तरफ न जज्बा न कोशिश सफर की तरफ वो देखे फकत बालों पर की तरफ वो देखे फकत बालों पर की तरफ और शेर है कि अगर हौसला है मैं वसीम भाई की नजर ये शेयर करना चाहूंगी अगर हौसला है तो मंजिल मिले अगर हौसला है तो मंजिल अगर हौसला है तो मंजिल मिले किनारे रहो या भंवर की तरफ किनारे रहो या सीख रहा हूँ गालिब की गजल पढ़ के सुखन सीख रहा हूँ क्या कहने की तकलीफ का फन सीख रहा हूँ गालिब की गजल पढ़ के सुखन सीख रहा हूँ खारो गुलो गुंचा के मरातिब नहीं मालूम खारो गुलो गुंचा के मरातिब नहीं मालूम मैं तो अभी आदाब चमन सीख रहा हूँ थका हुआ तो हूँ लेकिन कमाल कर दूंगा मैं शाम होते ही सूरज को लाल कर दूंगा जनाबे खुर्शीद अली साहब एक दिल में बसो ऐसे हम ख्याल बनो हर एक दिल में बसो ऐसे हम ख्याल बनो नजीर जिसकी ना हो ऐसी एक मिसाल बनो नजीर जिसकी न हो ऐसी एक मिसाल बनो और ये शेर देखें बजेगा डंका तुम्हारे ही नाम का एक दिन बजेगा डंका तुम्हारे ही अदू भी रश्क करे तुम पे बाकमाल बनो मोहब्बत नर्स की और शादी भी उसी से की मोहब्बत नर्स की और शादी भी उसी से की खुशी इतनी मिली मुझको कि अब हैरत नहीं जाता मोहब्बत नर्स से की और शादी भी उसी से की खुशी इतनी मिली मुझको कि अब हैरत नहीं जाती वो मुझको रात दिन जानू बुलाती रहती है लेकिन उसे सिस्टर बुलाने की मेरी आदत नहीं जाती ऐसी पड़ी थी मार के सब पूछ रहे थे अच्छा ऐसी पड़ी थी मार के सब पूछ रहे थे रास्ते में किसी गुंडे से तकरार किया था अच्छा ऐसी पड़ी थी मार के सब पूछ रहे थे रास्ते में किसी गुंडे से तकरार किया था मैंने कहा जो रात को बेगम ने बनाई उन रोटियों को खाने से इनकार किया था वाह 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 हक में कोई दुआ ही नहीं और कहते हो तुम खफा ही नहीं और कहते हो तुम खफा ही नहीं मेरे हक में कोई दुआ ही नहीं बस सजा रहा हूँ मैं यूं ही बस सजा पा रहा हूँ मैं यूं ही जबकि उसमें मेरी खता ही नहीं जिस तरफ भी तेरी आंखों का इशारा जाए जिस तरफ भी तेरी आंखों का इशारा जाए उसकी कश्ती की तरफ खुद ही किनारा जाए उसकी कश्ती की तरफ खुद ही किनारा जाए और एक तू ही तो है मौजूद जिधर भी देखूं, एक तू ही तो है मौजूद जिधर भी देखूं,
बीच दरिया में किसे और पुकारा जाए, बीच दरिया में किसे और पुकारा जाए। लोग जज्बात को शेर समझ देते हैं, लोग जज्बात को शेर समझ देते हैं। वारवाही से मेरी जान, लोग जज्बात को भी शेर समझ देते हैं। वाहवाही से मेरी जान छुड़ा और मेरी तहरीर की तनकीद गवारा कर रहे, मेरी तहरीर की तनकीद गवारा कर रहे, या सियाही से मेरी जान छुड़ा दे। वाह वाह वाह। रानीगंज के रामबगान की रहने वाली 32 साला सुनीता देवी कल से लापता थी, जिनकी बॉडी रानीगंज रेलवे स्टेशन से बरामद हुई। बता दें कि कल देर रात पुलिस रानीगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से लाश को बरामद कर अपनी हिफाजत में लेकर रानीगंज आलोबीरिया अस्पताल ले गई, जहां लाश की शनाख्त के लिए खातून के भाई को बुलाया गया। इसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हम सुबह काम से निकल गया। क्या काम करते हैं आप? हम गाड़ी खरीद बेचवाने का काम करते हैं, फाइनेंस कराने का काम करते हैं। और निकल गए दिए निगाह, निगाह से आसनसोल पार्टी से बात करना था, वहाँ से आ रहे हैं, देख रहे हैं दोनों घर में नहीं है, खोज रहे हैं दोनों को, किसी को कोई खबर नहीं। दोनों मतलब मम्मी बहन? कोई खबर नहीं है दोनों में से किसी को। आपको बहन लगती थी? रात में पता चला मम्मी मासी का घर गई है और इसका कोई खबर नहीं है, फ़ोन कर रहे हैं फ़ोन नहीं रिसीव कर रही है, कुछ खबर नहीं मिल रहा है। उसके बाद रात को हमको फ़ोन आया कि आपका आदमी यहाँ है, कौन है? बोल बहन है, कहा ये आलूगुड़िया हॉस्पिटल तक ही है। आलूगुड़िया हॉस्पिटल कितना बजे रात को? लगभग 12:30 से हो रहा। अच्छा, घटना कहाँ घटा था ये हमको नहीं पता। अच्छा। है स्टेशन तीन नंबर। कोई घटना, कोई झमेला वमेला किसी से कुछ ऐसा? नहीं, किसी से कोई झमेला नहीं था। उन्हें इतना बड़ा जो हटा, इतना बड़ा डिसीजन, मिसिंग कब से था? कल से क्या? हम तो घर में थे नहीं, आए तो बगल का आदमी बोला था मम्मी और दोनों लड़की, मेरा बहन मेरा मम्मी दोनों आपस में झगड़ा की। तो घर कहाँ है आप लोग का? घर कहाँ? हम लोग यहाँ रेंट पर। कहाँ? रामवाला। आपका नाम? राकेश कुमार रावत। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहां स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल चितंजन रोड, आसनसोल। नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस विथ फास्ट, फ्रेंडली, एक्यूरेट एंड अ हायर लेवल ऑफ केयर फॉर यू। हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल, 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे सिरपांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, GT रोड, आसनसोल।
घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्रीज, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए अपने सपनों का महल। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹500। यहाँ होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का करना हो इंटीरियर डेकोरेशन तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेलर एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। क्या आप अपने कपड़ों के कलेक्शन से हो गए हैं बोर? अगर हाँ तो लाइए उसमें कुछ ताजा व नयापन, अपना फैशन के बेस्ट क्वालिटी कपड़ों के संग। खास महिलाओं और बच्चों के लिए खोली गई अपना फैशन में वाइब्रेंट कलर्स, ट्रेंडी क्लोथ्स, न्यू अराइवल्स और भी काफी कुछ। तो या हो ईद या फिर हो कोई और त्योहार, चले आइए आपके अपने अपना फैशन स्टोर। एड्रेस डेली मार्केट, बर्नपुर। दांत में हो रही समस्या से पाना चाहते हैं जल्द छुटकारा तो आज ही आए एक्सपर्ट डेंटल केयर। आसनसोल में खुले इस नए डेंटल क्लिनिक में BDS ओरल एंड कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर गजनफर रब्बानी एवं अन्य एक्सपीरियंस डॉक्टर करेंगे दांत से जुड़ी समस्याओं का सटीक इलाज, ताकि आप मुस्कुरा सके जी खोल के। हमारा एड्रेस है नियर ओके रोड, ऑटो स्टैंड रेल पार, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। ब्रेक के बाद नजर फिर से खबर पर। आज ABK मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन की ओर से बनपुर प्रांतिक क्लब में खून अतिया कैंप का अहतमाम किया गया। इस मौके पर तंजीम के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र चटर्जी ने जानकारी देते हुए कहा कि तंजीम के 54वें फाउंडेशन डे के मौके पर आज इस ब्लड डोनेशन कैंप को लगाया गया है, जहाँ कुल 25 डोनर्स ने अपना कीमती खून अतिया किया। पार्थ मुखर्जी, हरजीत सिंह, कुद्दूस खान समेत दीपायन राय खास तौर से मौजूद थे। সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত অরজিৎ সিং মহাশয়, অরজিৎ সিং মহাশয় নিমন্ত্রণ দিয়ে সম্বোধিত করছেন ব্লাড ডোনার। অন্যতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আজকে, সেই উপলক্ষে বানপুরে প্রতি বছরই আমরা যেমন আমাদের ABK মেটাল ওয়ার্কার ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আমরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করে থাকি, এবছরও করছি আমরা বানপুর ক্যাম্পটি ক্লাবে। সেটা আমাদের ডোনার আজকে 25, বেশি ছিল কিন্তু যেহেতু কারখানাতে ক্যাপিটাল রিপেয়ার চলছে তার জন্য বন্ধ আছে আর কি। সৌরেন চ্যাটার্জি, জয়েন্ট সেক্রেটারি ABK মেটাল।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहि बते। आज पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिहाड़ा निहा गुरुद्वारा में मनाया गया और आज छबील का पुरम हाईवे के ऊपर में किया गया। इससे उनकी शहादत को याद किया गया और आज की जनरेशन में पता लगे कि हमारे गुरुओं ने क्या बलिदान दिया जिसके कारण सिक्खी कायम है। और इसके साथ ही मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। আপনারা যেমন এফেক্টেড হয়েছেন সেইভাবে কিন্তু তখন রাজ্য সরকার বিদ্যুৎ পর্ষদও কিন্তু এফেক্টেড হয়েছে, কিন্তু আপনাদের থেকে ওরা কিন্তু আরো শীঘ্রই কিন্তু রিকভারি করেছে। ওটা আমি কিছু বলতে বলবো না, তবে আমি আমার মনে হয় আমরা কিছু কিছু জায়গায় বিদ্যুৎ, যেমন আজকের দিনেও ডব্লিউ বেঁধে গেছিল কিছু জায়গা সাপ্লাই বন্ধ আছে, নিশ্চয়ই আপনারা জানেন, আমি ওসব বলতে চাইছি না। দেখুন কি হয় জানেন তো, এগুলো ডিপেন্ড করে যেরকম নেচার অফ ডিভাস্টেশন, যে আমাদের যে লাইনগুলো ছিল মোস্টলি ওভারের লাইন, যে লাইনগুলোর উপর এত সংখ্যক গাছ পড়েছিল, এটা আজ দিনেও কিছু কিছু জায়গায় গাছ পড়ে আছে, যে আপনারা জানেন, আপনারা চাইলে আমি ছবি আপনাদের শেয়ার করতে পারি। আমার বলার উদ্দেশ্য একটাই, দেখুন কোনো ইউটিলিটি কোনো এইভাবে কম্পেয়ার হয় না, যেভাবে নেটওয়ার্ক থাকে, আমার নেটওয়ার্ক এক ধরনের প্যাটার্ন, ওদের নেটওয়ার্ক এক ধরনের প্যাটার্ন। এবার যেরকম ইম্প্যাক্টটা হয়েছে, আমাদের ইম্প্যাক্টটা আমার মনে হয় অনেক বেশি সিভিয়ার। আমার আমি কম্পেয়ার করার জন্য বলি, দু বছর আগে একবার আমফান হয়েছিল, তখন আমি কলকাতায় দিলাম, তখন আমফানে যে ডিভাস্টেশনটা হয়েছিল না, আমফানের লং হিলটা অনেক বেশি ছিল, যে ইন্টেন্সিটি অফ দ্য উইন্ড ছিল সে একই রকম ইন্টেন্সিটি আমার মনে হয়েছিল। এবং মানে আনফর্চুনেটলি বলতে পারেন যে আমাদের ড্যামেজটা অনেক বেশি ছিল দেন এসেছিল, যদিও আমার মনে হয় আমাদের এফেক্ট মোটামুটি ধরে নিন প্রায় 8,000 কনজুমার এফেক্ট হয়েছিল। আপনাদের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট লাইন কনজুমারদের ইমিডিয়েটলি রেস্টোর করা উচিত, কারণ তাদের দেখুন যারা মানুষের বিল্ডিংয়ে থাকে তাদের ধরুন চারতলা পাঁচতলা বাড়ি মানে জল থাকবে না, বিদ্যুৎ না থাকলে যেটা হয়, তো আমরা তো করলাম অ্যাসেস করলাম, মোটামুটি একটু সিভিলাইজ হওয়ার পর অ্যাসেস করলাম, করার পর আমরা দেখলাম কিছু জায়গাতে আমরা রাত্রের মধ্যে কিছু করতে পারবো, তখন আমরা ঠিক করলাম যে প্রবলি আসানসোলে এইবার প্রথম হলো আমরা কিছু মানুষগুলো বিল্ডিংগুলোকে আমরা জেনারেটর হায়ার করি, ফুল ফ্লেজের জেনারেটর, জেনারেটর হায়ার করলাম, আমাদের কাছে কিছু জেনারেটর নিজেদেরই ছিল, প্লাস আমরা কিছু হায়ার করলাম, করে আমরা প্রত্যেকটা যেন আমরা প্রত্যেকটা করতে পারি 7-8টা অ্যাপার্টমেন্টকে আমরা জেনারেটর লাইন দিলাম ফুল, এবং এইটা ততক্ষণ পর্যন্ত চালালাম জেনারেটরটা, আমরা পুরো ফুল আমাদের ইন্ডিয়া বর্ডারের ফুল এক্সপেন্স হয় যতক্ষণ আমরা লাইন রেস্টোর হলো, আমাদের প্রায় ধরুন 26-27 ঘন্টা বাদে আমরা বলতে পারলাম যে আমরা একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছি। আদর্শন পাখির খারাপ মানে এটা একটা খুব একটা ব্যাড ফেজ গেছে, আমরাও অ্যাজ এ পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউটার, রেসপন্সিবল পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউটার, 100 বছরের পুরনো কোম্পানি, আমরা প্রতি মুহূর্তে আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা আমাদের পুরো টিম ছিল, তো আমরা এরপরে ঠিক করেছি এরকম কোনো রকম ডিভাস্টেশন হলে আমরা জেনারেটরগুলো দিয়ে যেগুলো আমরা পারবো না, প্রচণ্ড রকম কাজ কাজ করে গেছে যেগুলো করতে একটু সময় লাগে, আমরা সাধারণভাবেই সময় লাগে, সেগুলো আমরা জেনারেটরদের রেস্টোর করি। এটা আমরা এইবার আমরা প্র্যাকটিস করতে আরম্ভ করেছি, ইনফ্যাক্ট আগামী দিনেও করবো, প্লাস আমরা যেটা করবো এরপরে আমাদের কিছু ব্যবস্থা আমরা করবো, যাতে করে কিছু আন্ডারগ্রাউন্ড নেটওয়ার্ক, কিছু প্যারালাল নেটওয়ার্ক, কিছু ট্রান্সফরমারের আপগ্রেডেশন, এই সমস্তগুলো আমরা কালকে একটা মিটিং রেখেছি, আমরা জয়েন্ট মিটিং আমাদের নিজেদের টিমের মধ্যে, আমরা আশা করি আমরা আরও উন্নত পরিষেবা
বিদ্যুৎ পরিষেবা। ফিলহাল তো খবরে বস ইহি তক, ইসি তরহ কি খবরো কে সাথ ফির হোগি আপসে মুলাকাত, দিজিয়ে ইজাজত, আদাব। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।